हेलो बोलो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के 10 टिप्स और ट्रिक के बारे में जो कि 2020 में अपडेट हुए हैं। आजकल व्हाट्सएप तो सब लोग यूज़ करते हैं, बट उसके लेटेस्ट फीचर के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो शायद हो सके आपको भी ना पता हो, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे पूरा एंड तक देखें। मेरी पहली टिप्स है नोटिफिकेशन सेटिंग के बारे में। तो आप पहले अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, थ्री डॉट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेटिंग में आप नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक, नोटिफिकेशन ओपन होने के बाद आपको दिखेगा मैसेज का ऑप्शन। मैसेज में आपको दिया होगा पॉपअप नोटिफिकेशन का ऑप्शन। आप पॉपअप नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिएगा तो आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। उसमें नॉन पॉपअप का ऑप्शन दिया होगा, स्क्रीन ऑन का दिया होगा, स्क्रीन ऑफ और ऑलवेज का दिया होगा। मीन्स कि आप अगर अपने मैसेज को डायरेक्टली किसी का भी अगर मैसेज आता है किसी भी चैट का, तो आप उसका रिप्लाई देना चाहते हैं तो स्क्रीन पे ही आए तो आप स्क्रीन वाले ऑप्शन पे कर देंगे, स्क्रीन ऑन वाले पे। अगर आप ऑफ होने पे अगर नोटिफिकेशन को स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो स्क्रीन ऑफ वाले ऑप्शन पे, अगर दोनों जगह देखना चाहते हैं तो आप ऑलवेज का कर देंगे। तो ये मेरी नोटिफिकेशन की टिप्स थी। अब हम सेकेंड टिप्स को बात करते हैं। टिप्स है, अगर आप किसी के भी मैसेज से परेशान हो गए हैं, किसी ग्रुप पे या किसी भी चैट के मैसेज से आप अगर आप परेशान हो रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उन्हें बिना ब्लॉक किए हुए और उनके मैसेज को ना रीड करूं या उनका मैसेज हमारे यहाँ ना आए, तो आप उसके लिए एक टिप्स है। अगर जिस भी आप ग्रुप को ब्लॉक मैसेज नहीं देखना चाहते हैं या चैट का, उस चैट वाले चैट को ओपन करें, फिर डॉक्टर वाले आइकन पर क्लिक करें और थर्ड सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन पे लिखा म्यूट ऑप्शन, तो म्यूट को क्लिक कर दें। और जब तक के लिए आप चाहें कि उनका मैसेज हमारे पर नहीं आए, 1 आवर, 2 आवर, 8 आवर, 1 ईयर, आप उससे चूज करके और आप म्यूट कर सकते हैं। जब तक चूज करेंगे उतने देर तक आपके व्हाट्सएप पे उनका मैसेज नहीं आएगा। चलते हैं थर्ड टिप की तरफ। हमारा थर्ड टिप है ग्रुप के ही रिलेटेड। आप चाहते हैं, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, किसी कोई भी हमें किसी भी ग्रुप में ऐड कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको अदर ग्रुप में ना ऐड करे, तो उसके लिए भी एक टिप है। अगर नहीं चाहते हैं तो इस टिप को पूरा सुने, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दे जरूर। तो चलिए सेटिंग वाले ऑप्शन, थ्री डॉट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद प्राइवेसी में जाएंगे, प्राइवेसी में जाने के बाद ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम उस पर क्लिक करने के बाद करेंगे ऑल कॉन्टैक्ट। अगर कॉन्टैक्ट केवल करना चाहे तो कॉन्टैक्ट करेगा, अगर नोबडी करना चाहे तो आप नोबडी भी कर सकते हैं, आपको जैसा लाइक हो आप उस पर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे टिप्स की ओर। तो हमारा चौथा टिप्स है, आप अगर चाहते हैं कि कोई अगर हमें मैसेज किया हो और उन्हें नोटिफिकेशन ना जाए कि हमने उस मैसेज को रीड कर लिया है, तो इसके लिए एक टिप्स है। आप अपने फ़ोन के फ्लाइट मोड को ऑन कर दें, ऑन करने के बाद व्हाट्सएप ओपन करें, और व्हाट्सएप ओपन कर और उस मैसेज को रीड कर लें। रीड करने के बाद आप बैक आके और मिनिमाइज वाले ऑप्शन से अपने रिसेंट ऐप को क्लियर कर दें। क्लियर करने के बाद वापस से व्हाट्सएप ओपन करें, और नोटिफिकेशन उनको नहीं जाएगा कि आपने उनको रीड किया है, या आप ब्लू टिक नहीं लगेगा उस मैसेज पे। चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवे टिप्स की ओर। हमारा पांचवा टिप्स है, अगर आप किसी भी इम्पोर्टेंट मैसेज को, अगर चाहते हैं कि हमारा इम्पोर्टेंट मैसेज किसी साइड में हो या किसी अलग जगह पे हो, तो आप उस मैसेज को आप स्टोर करके रख सकते हैं या उसे मार्क करके रख सकते हैं। मीन्स कि आप बुक मार्क कर सकते हैं, जैसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में करते हैं किसी मैसेज को या किसी वेबसाइट को, वैसे आप अपने व्हाट्सएप के मैसेज को भी कर सकते हैं। तो जिस मैसेज को आप करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक किए रहिए, क्योंकि थोड़ा देर लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको ऊपर में नोटिफिकेशन आएगा स्टार ऑप्शन का, स्टार पे कर देंगे क्लिक, तो आपका वो मैसेज वो स्टार हो जाएगा और वो बुक मार्क की तरह कहीं वो सेव हो जाएगा, और आप जब देखना चाहते हो आप उसे देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने छठे टिप्स की ओर। छठा टिप्स है, आप व्हाट्सएप पे GB बहुत लोग यूज़ करते हैं, या आपने भी कभी यूज़ किया होगा, तो ये व्हाट्सएप GB, आप एक फ़ोन में दो व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए आप व्हाट्सएप GB यूज़ करते हैं, बट व्हाट्सएप GB एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसे आप यूज़ करेंगे तो वो रिस्की हो सकता है आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं एक फ़ोन में या एक आईफोन में दो व्हाट्सएप यूज़ करें, तो आप प्ले स्टोर को ओपन करें, ओपन करके व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करें, या आपने व्हाट्सएप मैसेंजर डाउनलोड किया हुआ है तो व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करें, और अगर आपने बिजनेस डाउनलोड कर रखा है तो आप व्हाट्सएप मैसेंजर को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप एक साथ
दो व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, दोनों में सेम ही फीचर है, आप दो व्हाट्सएप को यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने सातवें टिप की ओर। हमारा सातवां टिप्स है स्टार मैसेज का। स्टार मैसेज, जैसे आप बहुत लोग नॉर्मल मैसेज करते हैं, आप अपने मैसेज को बोल्डली भेज सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आप एक स्टार लगा दें मैसेज सेंड करने से पहले, एक स्टार्टिंग में स्टार लगा दें, उसके बाद अपने मैसेज को टाइप कर लें, उसके बाद एक एंड में स्टार लगा दें विदाउट स्पेस और उसे सेंड कर दें, तो वो आपका मैसेज बोल्डली उनके पास जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने हम आठवें टिप्स की ओर। हमारा आठवां टिप्स है पिन का ऑप्शन। जैसे आप किसी भी मैसेज को या किसी भी चैट को आप चाहते हैं कि सबसे टॉप पे उनका मैसेज हो, हाईलाइट जैसे करते हैं वैसे ही टॉप पे उनका मैसेज हो, तो आप उस चैट को या उस मैसेंजर को आप क्लिक कीजिए, लॉन्ग प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ओपन पिन का ऑप्शन होगा, उस पिन के ऑप्शन पे क्लिक कर दें और जब भी उनका मैसेज आएगा वो टॉप के सबसे ऊपर में उनका मैसेज आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आठवें टिप्स की ओर। हमारा आठवां टिप्स है लोकेशन से रिलेटेड। जैसे आप कहीं भी हो और आप चाहते हो कि आप अपने लाइव लोकेशन को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, तो आप उस लोकेशन को भी शेयर कर सकते हैं। या आप किसी भी फ्रेंड को अपने घर बुलाना चाहते हैं और आपका लोकेशन उसे नहीं पता है, तो आप उसे लाइव लोकेशन भेज सकते हैं। अपने उस फ्रेंड का चैट ओपन करेंगे, चैट को ओपन करने के बाद उस आइकन पर क्लिक करेंगे जहाँ से हम अपने फोटो या वीडियोस को शेयर करते हैं, उस आइकन पर क्लिक करेंगे, वहाँ लोकेशन का ऑप्शन देगा, लोकेशन पे ऑन कर क्लिक करके और आप अपने लोकेशन को सेंड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट टिप्स की ओर। हमारा लास्ट टिप्स है लॉक से रिलेटेड। आप अपने व्हाट्सएप पे लॉक लगाने के लिए अपने फ़ोन के लॉक को यूज़ करते हैं या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं जिस पे बहुत सारे एडवर्ड आते रहते हैं, तो अगर आप उस ऐप को नहीं यूज़ करके और अपना पर्सनल ऐप लॉक रखना चाहते हैं, तो आप अपने व्हाट्सएप से ही अपने व्हाट्सएप को लॉक कर सकते हैं। वो ऑप्शन इनेबल करने के लिए सेटिंग के थ्री डॉट्स वाले ऑप्शन को क्लिक करें, सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाने के बाद प्राइवेट सिक्योरिटी में जाएं, सिक्योरिटी में जाकर और आप फिंगरप्रिंट वहां ऑप्शन दिया होगा, आप फिंगरप्रिंट अपने लॉक को ऑन कर दें, तो आप जब भी अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो वो फिंगरप्रिंट मांगेगा और आपको फिंगरप्रिंट वहां पुट करके और अपने व्हाट्सएप को आप ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे व्हाट्सएप के 3 न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर ये आपको टिप्स और ट्रिक्स अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को, ताकि अगली बार जब भी मैं कभी वीडियो डालूं तो आपके नोटिफिकेशन सबसे पहले